हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो का मेन मकसद या मेन पर्पस है आपको यूक्रेन के नाम पर हो रही ठगी से बचाना। आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसका टाइटल था आप यूक्रेन ये सोचकर बच जाएं कि आप वहां से आगे शेंगेन जोन में मूव हो सकते हैं। उस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, आप वो कमेंट पढ़ भी सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो कुछ एजेंट्स हैं उनके कमेंट्स पढ़िए। कुछ ने बोला कि फुद्दू बना रहा है, किसी ने बोला हिंदी में गाली दी वो बना रहा है, किसी ने ये भी लिखा कि जी मैं 25 दिन में आपको भिजवा देता हूं यूक्रेन से स्लोवाकिया और या पुर्तगाल, और मेरे ऑफिसेज हैं यूक्रेन में, पंजाब में, दिल्ली में, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, अपने नंबर भी छोड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सावधान रहिए। देखिए, यूक्रेन के नाम पर बहुत ठगी हो रही है और वो जारी है। आपको फेसबुक पे पोस्ट देखने को मिलेंगी यूक्रेन का TRC, यूक्रेन का वर्क परमिट, स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा और विजिटर वीजा। तो ठीक है, यूक्रेन घूमने के लिए जाइए, बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद सन 2011 में यूक्रेन जा चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यूक्रेन। यूक्रेन पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स यूक्रेन में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। यूक्रेन में IT में भी यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, तो IT के लिए भी यूक्रेन बहुत अच्छा है। लेकिन आप यूक्रेन ये सोचकर मत जाइए कि आप वहां से आगे शेंगेन जोन में मूव हो सकते हैं। देखिए, यूक्रेन यूरोप में तो आता है, पूर्वी यूरोप में आता है, लेकिन यूक्रेन ना शेंगेन जोन में है ना ही यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में है। हाँ, एक चीज यहां पे बता दूं, अगर आप यूक्रेनियन सिटीजन है तो आप शेंगेन कंट्रीज में 90 दिन तक के लिए बिना वीजा के जा सकते हैं, अगर आप यूक्रेनियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो। अगर आप इंडियन हैं और आपके यूक्रेन की TRC है तो नहीं जा सकते हैं, आपको वीजा चाहिए होगा। और आप सोचिए, अगर आपको इंडिया में वीजा नहीं मिला जबकि आपके पास इंडिया के IT रिटर्न्स थे या बैंक स्टेटमेंट थी और इंडिया के साथ आपकी टाइज हैं, तो अभी नई कंट्री में कुछ हफ्तों के अंदर आपको कैसे या कुछ महीनों में कैसे आपको वीजा मिल सकता है, तो ये थोड़ा सा आप सोचिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, यूक्रेन से एक और चीज, एजेंट आपको बोलते हैं कि हम आपकी डोंकी लगवा देंगे। अगेन, बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ये। मैं इलीगल इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। मैं कहूंगा आप इलीगल इमिग्रेशन करने की बजाय क्यों ना थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, और अगर आप प्लानिंग कर लेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, जो ये एजेंट दावा करते हैं कि वो यूक्रेन से डोंकी लगा देंगे, अब यूक्रेन के अगर हम नक्शे की तरफ देखें तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं, मैं उनके जरा नाम बता देता हूं आपको, वो है रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया और मोल्दोवा। इनमें से तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो शेंगेन जोन में आती हैं, वो है पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। इन तीनों कंट्रीज में बॉर्डर कंट्रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट हैं इसलिए आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यूक्रेन पे भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को EU में या शेंगेन जोन में एंटर करने से रोके, क्योंकि इसी वजह से, इसी के रिटर्न में उनके सिटीजन को एक जो शर्त थी उनमें से एक ये थी कि वो जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोके। तो यूक्रेन में बॉर्डर चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने यूक्रेन पे थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे एक रिपोर्ट मिली, ये है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट है, और इसका है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप एंड इन पर्टिकुलर टू UK, अ स्टडी ऑन पंजाब एंड हरियाणा। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें ये 2009 की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। अब उसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अब जैसे इसमें लिखा है, यूक्रेन कॉन्टिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट कंट्रीज फॉर माइग्रेशन टू वेस्टर्न यूरोप। हाँ, मतलब करीब 15 सालों से जो एजेंट हैं वो यूक्रेन को एज ए ट्रांजिट पॉइंट यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज है, ये लिखा है
while Ukraine topped the list of detainees by arresting 282 persons. यानी यूक्रेन में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो इलीगली यूक्रेन में रह रहे थे या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे. अब एक और चीज है, nearly 63 youths have been from Punjab have been arrested in Moscow and Ukraine. तो ये भी आप देख सकते हैं. अब देखिए, जहां तक हम बात करते हैं, यूक्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जो जेलों में हैं. और मैं जब ये रिपोर्ट को पढ़ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि एजेंट्स की वजह से लोगों को इतना सफर करना पड़ता है कई बारी. अब जैसे इसमें एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे लोग जो यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पे पकड़े गए, पुलिस टॉर्चर्ड देम एंड दे वर फोर्स टू ड्रिंक देयर यूरिन. ये बहुत ही ज्यादा दुखद बात है. मतलब पुलिस ने टॉर्चर किया और उनको अपना मूत्र पीने पे मजबूर होना पड़ा. तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब है. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलीगल इमिग्रेशन से बचें, एजेंट के बहकावे में मत आएं और सारी चीजें प्लानिंग से करें. देखिए, मैं आपको यहाँ पे डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप अपना टाइम बचाएं, पैसे बचाएं और सबसे बड़ी चीज अपनी जान बचाएं. क्योंकि अगर आप एजेंट के बहकावे में आ जाते हैं और आप यूक्रेन से आगे इलीगली जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकते हैं. इनफैक्ट मीडिया में भी ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल यूक्रेन में स्टक है कई सालों से और उसको खाने के लिए पैसे घर से मंगाने पड़ रहे हैं. वो वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि एजेंट ने पासपोर्ट ले लिया है या उसने अपना पासपोर्ट फाड़ दिया है. तो आप सावधान हो जाइए. देखिए, ये जो मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, आप यूक्रेन अगर जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाइए, पढ़ने के लिए जाइए, अगर आपको जॉब मिल रही है अच्छी तो जॉब करने जाइए. यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यूक्रेन में वेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है. इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूक्रेन में जो मिनिमम वेजेस हैं वो 5000 ग्रिवना है. मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं ग्रिवना को प्रोनाउंस गलत तरीके से कर रहा हूँ. यानी 5000 ग्रिवना यानी करीब 12,600-12,700 रुपए हो गए. तो इतने पैसे तो आप दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़ में भी कमा सकते हैं. तो आप अपनी जान को हथेली पे रखे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कहीं पे माइग्रेट होने का प्लान करें, किसी रिलायबल इंडिविजुअल से डील करें जो खुद पढ़ा लिखा हो, एजेंट्स के कहे पर ना आए, खुद भी रिसर्च करें. आप अगर व्हाट्सएप या यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं. तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ और मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं किसी कंट्री में, तो अच्छे से प्लानिंग करके जाइए, और ताकि आप अपने टाइम और पैसे और एनर्जी को बचा सकें. जाते जाते मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा. पिछले महीने मुझे एक फ़ोन आया यूक्रेन में एक इंडियन स्टूडेंट का जो अम्बाला से है. अब वो पिछले एक साल से यूक्रेन में है. उससे एजेंट ने कहा कि आप ठीक है, आपका स्टडी वीज़ा करवा देते हैं, आपका गैप है और आप आगे मूव हो जाएंगे. उसे साल भर हो गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है. तो अब वो वापस आ रहा है इंडिया. अब यानी कि उसकी जो एक साल की पूरा जो उसने टाइम यूक्रेन में बिताया वो बर्बाद हुआ, टाइम के साथ साथ पैसे भी बर्बाद थे. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मैं आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.